हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज शुरू कर रहे हैं क्लास 12 का एनसीईआरटी केमिस्ट्री एक्सरसाइज क्वेश्चन, और उसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं चैप्टर 10 का, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन है। और ये हमारा हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। इसका मैं क्वेश्चन नंबर 10 तक एक वीडियो में कर चुका हूँ, जिसका लिंक यहाँ पर दिया हुआ रहेगा। और यहाँ पर हम करेंगे 10 क्वेश्चन के आगे 11th क्वेश्चन से। और आप लोग जरा पेन पेपर लेकर बैठे, जिससे आप लोग इसको सीख पाएँ अच्छी तरह, क्योंकि मार्क्स तो आपको लिखने से ही मिलेगा। तो मार्क्स पाने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और मैं यहाँ पर आपको समझाऊँगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन को करना है, लेकिन प्रैक्टिस एंड में आपको ही करनी है। और इसलिए पेन पेपर लेकर बैठें, और फिर दोबारा दिखा तो दोबारा वीडियो चला के उसको देखें, फिर समझें। तो हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, 10.11। इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें कहा जा रहा है, हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जेंस। यानी हमारा ये ऑर्गेनिक कन्वर्जेंस का है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें किसको किस में कन्वर्ट करना है? इथेनॉल टू ब्यूट 19 बनाना है। इथेनॉल हमारा CH3CH2OH हो गया, इसको हमें ब्यूट 19 बनाना है, CH3CH2C CCH। ये हमारा ब्यूट 19 है। इसको इसमें कन्वर्ट करने में हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, कि हमें OH की जगह पर C CCH लाना है। यानी कार्बन चेन में दो कार्बन और ऐड करना है, और वो भी कार्बन होना चाहिए एल्काइन ग्रुप वाला। तो हम यहाँ पर देखेंगे C CCH लाने के लिए बहुत सारे स्टेप्स हो जाएंगे। स्टेप्स भी हमें कोशिश करनी है कि 4 तक हो। उसके लिए क्लियरली यहाँ पर हम देखेंगे कि ये इथाइन ग्रुप है। इथाइन ग्रुप को ईजली हमारा बनाया जा सकता है न्यूक्लियोफाइड एक्टिव मेटल के साथ, जो कि सोडियम पोटेशियम ये सब है। तो इथाइन को हम यहाँ पर ओनली इथाइन ऐड करना हो तो उसको न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, लेकिन उसके लिए हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल OH जो है, जो अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, इसको हटा के हम यहाँ पर हैलोजन लगाएंगे, जो कि एक बेटर लिविंग ग्रुप है। तो हैलोजन लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? SOCl2 करवाना पड़ेगा हमें, या कोई और एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करने का। जैसे यहाँ पर हमारे पास आ गया CH3CH2Cl, और यहाँ पर हम सोडियम इथाइनाइड ले लेंगे, जिसको हम इजीली लैब में प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सोडियम इथाइनाइड हो जाएगा, जिसमें Na हमारा प्लस है और इथाइन ग्रुप हमारा माइनस है। तो Cl माइनस की जगह ये इजीली सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और हमें ये मिल जाएगा। अब हमारे पास सेकंड क्या है? सेकंड में हमें करना है इथेन टू ब्रोमो मिथेन। इथेन से हमें ब्रोमो इथीन बनाना है, सॉरी, इथेन टू ब्रोमो इथीन बनाना है। तो ब्रोमो इथीन में हम क्या करेंगे? ये हमारा ब्रोमो इथीन का स्ट्रक्चर हो गया। तो क्लियरली हमें इसमें करना क्या पड़ेगा? डबल बॉन्ड भी लाना है, एज वेल एज एक ब्रोमीन को रखना है। क्लियरली हमें साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर हमें एल्काइलेशन करना है, और एल्काइलेशन में ब्रोमिनेशन करना है, सॉरी, यहाँ हेलोजिनेशन करना है, हेलोजिनेशन में ब्रोमिनेशन करना है। तो ब्रोमिनेशन कैसे करेंगे? हम ले सकते हैं Br2 UV रे, जिसमें हमें डाई ब्रोमो इथेन 1-2 वाला प्रिपेयर हो सकता है, या फर्स्ट कार्बन पर भी हम दो लगा सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यदि हम ऐसे बनाते हैं डाई ब्रोमो इथेन 1-2, इसमें हम क्या कर देंगे? एलिमिनेशन कर देंगे। एलिमिनेशन हम ओनली KOH एल्कोहल से लिमिटेड अमाउंट में करेंगे, एक्सेस में नहीं लेना है। एक्सेस में नहीं लेंगे तो ओनली इसमें से HBr निकलेगा, और ये H कहाँ से निकलेगा? किसी एक कार्बन से Br, दूसरे से H निकलेगा, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल टाइप का है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा और एक Br रह जाएगा। इस तरह से हमारा यहाँ पर ब्रोमोइथीन प्रिपेयर हो जाएगा इससे। अब कन्वर्जन नंबर 3 क्या है? थर्ड कन्वर्जन हमें करना है प्रोपीन टू 1-नाइट्रोप्रोपेन। प्रोपीन को हमें
वन नाइट्रो प्रोपेन में कन्वर्ट करना है। वन नाइट्रो प्रोपेन बनाने के लिए इजिली हम एकदम से HNO2 वगैरह ऐड नहीं कर पाएंगे, यदि करते भी हैं तो नाइट्रो ग्रुप यहाँ आ जाएगा, मार्कोनी को एडिशन हो जाएगा। हमें यहाँ पर किसी न किसी न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पर ऐड करना है, यानी एंटी मार्कोनिकोप टाइप से ऐड करना है। एंटी मार्कोनिकोप एक्सक्लूसिवली ओनली HBr के साथ होता है, इसलिए हम यहाँ पर HBr यहाँ पर ऐड करेंगे, और वो भी पेरोक्साइड इफेक्ट यानी पेरोक्साइड के प्रेजेंस में। तो हमारे पास आ जाएगा ब्रोमो प्रोपेन। ब्रोमो प्रोपेन को हम NaNO2 AgNO2, क्योंकि NO2 की तरफ से लगा हुआ है, AgNO2 के साथ हम यहाँ पर लेंगे और एक्वस इथेनॉल यहाँ पर लेंगे, तो हमारे पास नाइट्रो प्रोपेन आ जाएगा। फोर्थ हमारे पास क्या है, फोर्थ में हमारे पास है टॉलविन टू बेंजाइल एल्कोहल। टॉलविन क्या होता है, मिथाइल बेंजीन को टॉलविन कहा जाता है, मिथाइल बेंजीन से हमें बेंजाइल एल्कोहल बनाना है, तो CH2OH आ जाएगा, यानी एक H को हटाकर OH लगाना है, बट OH तो हमारा न्यूक्लियोफाइल है, तो उसको हटा के OH हम लगा नहीं पाएंगे एकदम से, हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ कोई ना कोई न्यूक्लियोफाइल और मेनली हैलोजन, अच्छा लिविंग ग्रुप है, हैलोजन ही लगाएंगे। तो हैलोजन लगाने के लिए CH3 में H को हटाकर, यानी अल्काइल ग्रुप है, तो UV लाइट के प्रेजेंस में हम रिएक्शन करवाएंगे। तो देखिए हम यहाँ Br2 कर लेते हैं UV रे, और हमें यहाँ पर मिल जाएगा CH2Br, और इसमें हम कर देंगे अब सब्स्टिट्यूशन एक्वस KOH में, हमारा बन जाएगा बेंजाइल अल्कोहल। तो हमें अब फिफ्थ कन्वर्जन करना है, प्रोपीन टू प्रोपाइन। प्रोपीन से हमें प्रोपाइन बनाना है। जब भी हमें बॉन्ड का इंक्रीमेंट करना हो, डबल को ट्रिपल में चेंज करना हो, तो हम क्या करेंगे, पहले एडिशन फिर हम एलिमिनेशन करेंगे। एडिशन हमें ऐसा करना है कि दोनों जगह पर एक एक हैलोजन आ जाएगा, और हैलोजन को फिर हम एलिमिनेशन रिएक्शन करवा देंगे, तो अपने आप यहाँ पर बॉन्ड इंक्रीज हो जाता है। तो देखिए पहले हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, डबल बॉन्ड के क्रॉस में हैलोजनेशन करेंगे, तो Br2CCl4 लेंगे, इस तरह से हमें प्रिपेयर हो जाएगा विसिनल डाइहैलाइड एक तरह से, यानी दोनों कार्बन के क्रॉस में एक एक Br लग जाएगा। अब इसमें हम एलिमिनेशन करवा देंगे, एलिमिनेशन हम एल्कोहलिक KOH या तो एक्सेस लिख दें, या साथ में NaNH2 वगैरह डाल दें, सोडामाइड वगैरह, तो आपका ये प्रिपेयर हो जाएगा। इसमें के प्रेजेंस में हीट करना है, हमारा मिल जाएगा यहाँ पर प्रोपाइन। सिक्स्थ हमारा, सिक्स्थ में है इथेनॉल टू इथाइल फ्लोराइड। इथेनॉल से हमें इथाइल फ्लोराइड बनाना है। हम जानते हैं कि फ्लोरीन को OH की जगह पर एकदम से सब्स्टिट्यूट नहीं किया जा सकता है, इसके लिए हम यहाँ पर हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन को फॉलो करेंगे, जिसमें Cl या Br को F में सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। तो उसके लिए क्या करवाना पड़ेगा, स्वार्ट्स रिएक्शन। तो पहले हमें क्लोराइड या ब्रोमाइड चाहिए, तो क्लोराइड या ब्रोमाइड बनाने के लिए जैसे हमने यहाँ पर रिएक्शन करवा दिया HBr के साथ, हीट किया, हमें मिल गया इसका ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड मिल गया। इथाइल ब्रोमाइड को इथाइल फ्लोराइड बनाना है, तो आप स्वार्ट्स रिएक्शन करवाएंगे, AgF के प्रेजेंस में हीट करेंगे, तो आपका फ्लोराइड बन जाएगा। अब हमारे पास है सेवेंथ। सेवेंथ में क्या है, सेवेंथ में हमें करना है ब्रोमो मिथेन टू प्रोपेनोन। ब्रोमो मिथेन को हमें प्रोपेनोन में कन्वर्ट करना है। तो यदि किसी एल्काइल हैलाइड को हमें प्रोपेनोन में कन्वर्ट करना हो, तो एक स्टेप हम जरा जाएंगे एल्डिहाइड कीटोन वाले में, उसमें जो भी हमें एल्काइल हैलाइड गिवन है उसको हम ग्रिग्नार्ड बना देंगे, और ग्रिग्नार्ड बना के उसको सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे। सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट करके उसको ऑक्सीडाइज करके हम कीटोन बना सकते हैं। तो पहले इसको ग्रिग्नार्ड बनाएं,
Mg ईथर में रिएक्शन करवाएंगे, हमारे पास आ जाएगा CH3MgBr। और इसको हम सेकेंडरी अल्कोहल बनाने के लिए क्या लेंगे, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड ग्रिनार्ड के साथ सेकेंडरी अल्कोहल दे देगा, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस होना चाहिए। यदि आप लोगों ने एल्डिहाइड कीटोन का नहीं किया होगा तो उसको प्लीज़ एक बार यहाँ पर देख लें, मैं वीडियो का लिंक यहाँ पर दिया हुआ रहूँगा। यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल आ गया हमारे पास, और इसको अब हम ऑक्सीडाइज कर देंगे कीटोन में CrO3 वगैरह यूज़ करके। इंटरमीडिएट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ज़्यादा स्ट्रांग भी नहीं हो उसको यूज़ करके हम यहाँ पर कीटोन में कन्वर्ट कर देंगे। हमारे पास आ जाता है एट्थ में हमें करना है यहाँ पर BuTe1 × BuTe2। BuTe1 को हमें BuTe2 में चेंज करना है। हाइड्रोजन को अपने आप लोग मान लेंगे, अंडरस्टूड। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, बॉन्ड की पोजीशन को चेंज करना है। इसमें भी फर्स्ट एडिशन देन एलिमिनेशन करवाया जाता है। एडिशन में हमें ध्यान रखना है कि हमें बीच में लाना है, यानी हाईली सब्स्टिट्यूटेड हमें एल्कीन लाना है। तो क्योंकि ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है तो इसको हमें हाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन में कन्वर्ट करना है। कार्बन एटम का नंबर सेम है, हम क्या करेंगे, पहले इसमें एडिशन करेंगे हम। सेकेंड कार्बन पर किसका Cl या Br आना चाहिए, यानी मार्कोनी कोब एडिशन आना चाहिए, जिससे हमारा ये हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन में इजिली कन्वर्ट हो जाएगा और 2 पर आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो जब भी हम एडिशन करें तो एडिशन में ध्यान रखना पड़ेगा हमें बॉन्ड को कहाँ पर ले जाना है। तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, HBr हम मार्कोनी कोब करेंगे तो पेरोक्साइड नहीं डालेंगे, तो हमारे पास मिल जाएगा हमें CH3CH2। CH में Br आ गया और इधर हो गया CH3। अब इसमें हम वन स्टेप एलिमिनेशन कर देंगे, एल्कोहलिक KOH में हीट करेंगे तो आपको BuTe2 मिल जाएगा। अब नाइन्थ क्या कह रहे हैं हमें, नाइन्थ में 1 chlorobutane to 1 octane, 1 chlorobutane को हमें 1 octane में कन्वर्ट करना है। मैं इसको इस फॉर्म में लिख देता हूँ, CH3CH26CH3। लॉन्ग चेन ऑक्टेन में कन्वर्ट करना है, यहाँ पर 4 कार्बन है और यहाँ पर कार्बन टोटल 8 हो गया। तो यदि और क्या है, टर्मिनल पर है Cl, तो क्लियरली हम यहाँ पर सीधे सीधे वन स्टेप में कर सकते हैं वर्च रिएक्शन, जो कि इसको डबलिंग कर देगा। हमने यहाँ पर कर दिया Na ड्राई इथर, वन स्टेप में आपका ब्यूटेन से ऑक्टेन बन गया, ब्यूटाइल क्लोराइड से ऑक्टेन बन गया। अब टेंथ हमें क्या कह रहे हैं, टेंथ में है बेंजीन को हमें बाइफिनाइल में कन्वर्ट करना है, यानी इसकी भी डबलिंग करनी है। तो जब एरोमेटिक रिंग में डबलिंग होती है तो फिटिक रिएक्शन होता है। फिटिक रिएक्शन के लिए हमारे पास हेलो एरीन होना चाहिए, हेलो बेंजीन होना चाहिए, यानी पहले इसमें बेंजीन लगाएंगे हम, Cl2 एंड हाइड्रस AlCl3। तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन का हम फिटिक रिएक्शन करवाएंगे Na ड्राई इथर में, तो आपकी यहाँ पर डबलिंग हो जाएगी, डाइफिनाइल हो जाएगा। तो ये हमारा ऑर्गेनिक कन्वर्जन था, 11th क्वेश्चन। अब 12th है एक्सप्लेन व्हाई, यानी हमें रीजन बताना है। तो जरा ध्यान देंगे इस पर, अच्छी तरह से कॉन्सेप्चुअल है। तो यहाँ पर हमारे पास डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन दैट ऑफ साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। क्लोरोबेंजीन की जो डाइपोल मोमेंट है वो साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड से लोअर है, ये हमें प्रूव करना है, ये हमें बताना है ऐसा क्यों। तो क्लोरोबेंजीन में जो डाइपोल मोमेंट है वो Cl की तरफ जाएगा नेट, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर भी Cl की तरफ नेट जा रहा है, लेकिन हम देखेंगे कार्बन चेन का यहाँ पर क्या रोल है। यहाँ पर हमारे पास sp2 कार्बन है, sp2 कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ न कुछ होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से कुछ न कुछ डाइपोल मोमेंट अपोजिट डायरेक्शन में भी आएगा, जिससे हमारा नेट डाइपोल कम हो जाएगा। आप चाहें तो इतना ही लिख सकते हैं
और इसमें हमारा क्या होगा, दोनों कार्बन से नेट डाइपोल मोमेंट हमारा सॉरी बॉन्ड डाइपोल Cl की तरफ ही जाएगा क्योंकि sp3 कार्बन है, और नेट डाइपोल मोमेंट हमारा बहुत हाइयर हो जाएगा। इसमें दूसरा भी एक और लिख सकते हैं आप चाहें तो, और ज़्यादा अच्छा होगा उसको लिखें। यहाँ पर क्लोरीन हमारा ड्यू टू रेजोनेंस डबल बॉन्ड कैरेक्टर में आता है, उसकी वजह से भी बॉन्ड लेंथ कम हो जाता है। और हम जानते हैं कि म्यू का जो फॉर्मूला है डाइपोल मोमेंट का, नेट डाइपोल मोमेंट का, क्यू इंटू डी है। तो यदि बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा तो डिस्टेंस भी कम हो गया, जिसकी वजह से भी कम हो जाती है इसकी डाइपोल मोमेंट। इन दोनों बातों का आप मेंशन कर सकते हैं। पहले तो ओनली ये कर सकते हैं कि sp2 कार्बन से अटैच है, sp2 कार्बन से अटैच होने की वजह से कुछ न कुछ डाइपोल मोमेंट अपोजिट डायरेक्शन में भी जाएगा Cl के, जिससे नेट डाइपोल हमारा डिक्रीज हो जाएगा। बट इसमें सारे डाइपोल Cl की तरफ ही जा रहे हैं, सारे बॉन्ड डाइपोल, क्योंकि यहाँ पर sp3 कार्बन है, इसकी वजह से नेट डाइपोल ओवरऑल ज़्यादा होगा। दूसरा मैंने बताया कि डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से आप चाहें तो मेंशन कर सकते हैं, यहाँ पर बॉन्ड लेंथ भी छोटी हो जाती है जिससे डाइपोल मोमेंट लोअर हो जाएगी। ये हमारा था फर्स्ट। सेकेंड, सेकेंड में हमारे पास है एल्काइल हैलाइड दो पोलर आर इमिसिबल विद वाटर। एल्काइल हैलाइड है तो पोलर लेकिन वाटर में इमिसिबल है। तो एल्काइल हैलाइड में हम देखेंगे कि यहाँ पर कोई भी एटम चाहे Fe क्यों ना हो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पा रहा है, और पोलैरिटी भी कार्बन के इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग प्रॉपर्टी की वजह से कम हो जाती है। तो पोलैरिटी कम होने की वजह से एज वेल एज हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाने की वजह से वाटर और एल्काइल हैलाइड का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो वीक हो जाता है, जिसकी वजह से इमिसिबल होता है ये। लेकिन जैसे अल्कोहल वगैरह होता तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सकती थी, क्योंकि O के साथ वहाँ पर H आ रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो भी इंटरमोलिकुलर बन जाती, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए RX हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता है। ओनली आप इसकी मेंशन कर सकते हैं नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद H2O, इसलिए आपका इमिसिबल होगा। तो आप शॉर्टकट में करने के लिए ओनली हाइड्रोजन बॉन्डिंग की मेंशन कर सकते हैं। तो थर्ड हमारे पास है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन। वैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को किसी भी प्रोटॉन डोनर के प्रेजेंस में नहीं बनाया जाता है, और वाटर तो काफ़ी बेटर प्रोटॉन डोनर है, क्योंकि यदि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाता है, हम सीधे बनने के बाद की बात करेंगे तो ज़्यादा बेटर है, इजिली हम उसको लिख पाएंगे समझ पाएंगे। यदि हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाता है तो इसमें है क्या, वाटर में H पर प्लस चार्ज और OH पर नेगेटिव चार्ज, लेकिन R पर नेगेटिव चार्ज और Mg पर पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पर हमारा एल्केन बन जाता है, और एल्केन बनने की वजह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अपनी प्रॉपर्टी लूज कर दिया, जिससे हम इसको और ज़्यादा दूसरे कंपाउंड के प्रिपरेशन के लिए यूज नहीं कर पाएंगे। तो जनरली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज है कि वो किसी दूसरे कंपाउंड के प्रिपरेशन के लिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड के प्रिपरेशन के लिए यूज होता है, तो वो ये लूज कर देगा। इसलिए यहाँ पर कोई भी प्रोटॉन डोनर ऐसा ही काम करेगा, लेकिन वाटर एक बहुत ही अच्छा प्रोटॉन डोनर है, तो काफ़ी जल्दी रिएक्शन करता है, इसलिए हमारा एल्केन यहाँ मेजर अमाउंट में आ जाएगा और ज़्यादा। तो ये हमारे थे तीन रीजन वाले क्वेश्चन। इसके बाद हमारे पास है 13 में गिव द यूजेज ऑफ फ्रियोन DDT कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड आइडोफॉर्म। तो इसको आप लोग खुद करेंगे, तो 10.13 आप लोगों को खुद करना है, यूजेस लर्न करने हैं, इस पर हम यहाँ पर ज़्यादा डिस्कस ना करें, आगे बढ़ते हैं। 14th क्वेश्चन हमें करना है, तो हम लोग कर रहे हैं 14th क्वेश्चन 10.14, जिसमें कहा जा रहा है राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ मेजर ऑर्गेनिक कंपाउंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें मेजर ऑर्गेनिक कंपाउंड को बताना है, तो सबसे पहले हमारे पास है क्लोरोप्रोपेन। क्लोरोप्रोपेन का रिएक्शन करवाना है NaI के साथ एसीटोन के प्रेजेंस में, तो क्लियरली ये हमारा स्वार्ट्स रिएक्शन है जो कि Cl या Br को सब्स्टिट्यूट I में कर देता है। यहाँ पर I लग जाएगा Cl की जगह पर, क्योंकि यहाँ Cl प्रेजेंट है, तो हमारा हो जाएगा आइडोप्रोपेन एज मेजर प्रोडक्ट। हम चाहें तो यहाँ बाय प्रोडक्ट NaCl लिख सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है मेजर ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखना है हमें।
इसके बाद सेकेंड है हमारे पास सी एस थ्री थ्राइस सी बी आर, सी एस थ्री थ्राइस सी का मीनिंग हो गया सी के साथ थ्री सी एस थ्री लगा हुआ है और यहाँ पर बी आर लगा दिया है। इसका रिएक्शन हमें के ओ एच के साथ करवाना है, लेकिन के ओ एच के साथ रिएक्शन करवाते समय ध्यान देना है कि आगे क्या लिया हुआ है। आगे यहाँ पर हमारा इथेनॉल है, यानी एल्कोहलिक हमारा यहाँ पर लिया गया है के ओ एच। एल्कोहलिक के ओ एच में क्या होगा, एल्कीन बनेगा। वैसे भी यहाँ पर टर्सरी एल्काइल हैलाइड है, एल्कीन बनना ही है। इसमें से तीनों के तीनों बीटा कार्बन जो है आइडेंटिकल है, किसी एक बीटा कार्बन में से H को रिमूव करके उसके बीच में डबल बॉन्ड लगा देंगे। जैसे मान लीजिए हम इसको ले रहे हैं, इसमें से H हटा देते हैं और डबल बॉन्ड लगा देते हैं, हमारे पास आ जाएगा सी एच टू डबल बॉन्ड C, इससे दो सी एस थ्री, एक सी एस थ्री हम इधर लगा लेते हैं, एक सी एस थ्री इधर लगा देते हैं, जिससे हमारा बन गया ये टू मिथाइल प्रोपीन। अब थर्ड हमारे पास क्या है, इसमें थर्ड में है सी एस थ्री सी एच बी आर सी एस टू सी एस थ्री, सी एस थ्री सी एच में बी आर लगा है एंड सी एस टू सी एस थ्री दिया हुआ है। इसका रिएक्शन हमें किससे करवाना है, एन ए ओ एच वाटर है, यानी एन ए ओ एच एक्वस हो गया, वाटर का मतलब एक्वस, तो क्लियरली बी आर की जगह सब्स्टिट्यूट हो जाएगा ओ एच, यहाँ फोर कार्बन है, बी आर की जगह हमने ओ एच सब्स्टिट्यूट कर दिया। फोर्थ में हमारे पास है सी एस थ्री सी एच टू बी आर प्लस के सी एन एक्वस इथेनॉल, ऊपर दे दिया एक्वस इथेनॉल। एक्वस इथेनॉल में के सी एन का रिएक्शन हमें नाइट्राइल देता है, तो यहाँ पर प्रोपेन नाइट्राइल बनेगा, यहाँ पर सी एन लग जाएगा बी आर की जगह पर। फिफ्थ में हमें क्या कहा जा रहा है, फिफ्थ में हमारे पास है सी सिक्स एच फाइव ओ एन ए, यानी बेंजीन हो गया सी सिक्स एच फाइव, इसके साथ ओ एन ए लगा हुआ है, प्लस हमें रिएक्शन करवाना है सी टू एच फाइव सी एल के साथ, यानी एल्काइल हैलाइड का यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। बेंजीन वाला ओ तो हट नहीं सकता है क्योंकि डबल बॉन्ड कैरेक्टर में होगा, सब्स्टिट्यूशन एल्काइल हैलाइड के साथ होगा, यहाँ से सी एल निकल जाएगा, यहाँ से एन ए निकल जाएगा, एन ए सी एल हमारा बाय प्रोडक्ट, चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं और चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा इथॉक्सी बेंजीन बन जाएगा हमारा मेन प्रोडक्ट, ओ सी टू एच फाइव बन जाएगा। इस तरह से हमारा फिफ्थ हो गया। अब सिक्स्थ देखेंगे हम, सिक्स्थ में कहा जा रहा है सी एस थ्री सी एस टू सी एस टू ओ एच, यानी प्रोपेनॉल है, इसका रिएक्शन SO Cl2 के साथ करवाना है। SO Cl2 के साथ रिएक्शन करवाना है, तो क्लियरली यहाँ प्रोपाइल क्लोराइड बन जाएगा, या क्लोरोप्रोपेन IUPAC में कह सकते हैं। और ये रिएक्शन आप लोगों को याद होगा, बहुत ही अच्छा रिएक्शन है क्लोराइड बनाने के लिए। तो अब आगे देखिए, इसमें हमें पेरोक्साइड के प्रेजेंस में HBr के साथ रिएक्शन करवाना है एल्कीन का, जो कि ब्यूट वनिन है। ब्यूट वनिन का हमें HBr के साथ पेरोक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाना है। यहाँ पर एक H आएगा, यहाँ पर H2, एंटी मार्कोनिकोव एडिशन होता है डबल बॉन्ड के क्रॉस में, तो Br यहाँ आएगा, H इसमें आएगा, हमारा वन ब्रोमो ब्यूटेन बन जाए, ब्यूटेन बन जाएगा। तो इसके बाद हमारे पास है एट्थ और इसका लास्ट, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, सी एस थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी सी एस थ्री ट्वाइस सी, इससे सी एस थ्री ट्वाइस है, यानी दो सी एस थ्री अटैच है, हमें करना है प्लस में एच बी आर, और एच बी आर में यहाँ पर परोक्साइड नहीं लिखा है, तो क्लियरली मार्कोनिकोव एडिशन करेंगे, बी आर आपका इसमें ऐड हो जाएगा, एच यहाँ आ जाएगा, ये सी एच टू बन गया, इसमें बी आर आ गया, सी एस थ्री सी एस थ्री, इस तरह से हमारा ये मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा।
हम लोग करने जा रहे हैं 15th क्वेश्चन अब 10.15। इसमें हमें बताना है राइट द मैकेनिज्म ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। NBuBr यानी 1-bromo-butane हमारे पास है, उसका KCN के साथ एक्वस इथेनॉल के प्रेजेंस में मैकेनिज्म बताना है। तो हम यहाँ पर NBuBr को ऐसे लिख सकते हैं 1-bromo-butane का रिएक्शन हमें KCN के साथ करवाना है एक्वस इथेनॉल में। तो क्लियरली हमारे पास आ जाएगा CN लग जाएगा Br की जगह पर, यानी पेंटेन नाइट्राइल हो जाएगा ब्यूटेन के बाद। तो देखिए इसमें अब इसको बनेगा कैसे, तो हमें कहाँ पर देखना है, प्राइमरी है तो SN2 रिएक्शन करवाएंगे। इनको हम एक साथ एक चेन मान लेंगे C3H7, तो हमने C3H7 कर दिया और C पर 2H है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में यहाँ पर Br है और KCN हमें CN- दे देगा, तो ओनली हम CN- को दिखाते हैं। ये Br- है और ये C पर प्लस चार्ज है। CN क्लियरली आगे से तो अटैक कर नहीं पाएगा, बैक साइड से अटैक करेगा, और बैक साइड से अटैक करेगा तो क्योंकि आगे से आपका क्या है, रिपल्शन हो जाएगा लाइक चार्जेस का, क्योंकि SN2 है हमारा। तो बैक साइड से इसने अटैक किया H के पास से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, सबसे पहले ट्रांजिशन स्टेट बनेगा C3H7, यहाँ पर CN के साथ ट्रांजिशन स्टेट हुआ, C की तरफ से अटैच होगा क्योंकि K के साथ था। AgCN होता तो N की तरफ से अटैच करते, और इधर आपका H है, एक और H है, और Br का भी पार्शियल बॉन्ड बना और CN का भी पार्शियल बॉन्ड, और इस तरह से ट्रांजिशन स्टेट जो हमारा पेंटावेलेंट स्टेट है। क्लियरली CN आपका अपोजिट साइड से, जिधर आपका Br था उसके अपोजिट साइड से ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका C3H7 HH, और इधर अपोजिट साइड से आपका CN आ गया जिधर Br था, यानी यहाँ पर इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन होगा। ये इसका मैकेनिज्म हो गया, और ये कहलाता है बीच में ट्रांजिशन स्टेट, जो कि पेंटावेलेंट स्टेट है उसको हम नोट डाउन कर देंगे। तो इस रिएक्शन का हो गया मैकेनिज्म। हमें करना है अब 10.16। तो 10.16 में कहा जा रहा है अरेंज द कंपाउंड्स ऑफ ईच सेट इन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2। SN2 में हमें याद रखना है कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑर्डर है इन केस ऑफ डिफरेंट कार्बन चेन। यदि कार्बन चेन की डिग्री डिफरेंट हो तो ये लगेगा वहाँ पर, लेकिन यदि हैलोजन डिफरेंट हो, आर चेन सेम हो, RI सबसे ज़्यादा माना जाता है, RBr, RCl, RF ऑलमोस्ट यहाँ पर रिएक्शन करता ही नहीं है, और यदि स्टेरिक हिंड्रेंस आ रहा है, तुम देखेंगे अल्फा कार्बन पर क्या कोई स्टेरिक हिंड्रेंस भी आ रहा है, हो सकता है सबके सब प्राइमरी हो, तो स्टेरिक हिंड्रेंस जितना क्लोज होगा उतनी कम रिएक्टिविटी हो जाएगी SN2 में, इस बात को ध्यान रखना है। यानी स्टेरिक हिंड्रेंस डिक्रीज कर देता है रेट ऑफ रिएक्शन, जिसको हम यहाँ पर R से दिखा रहे हैं, तो डिक्रीज कर देता है रेट ऑफ रिएक्शन को। इन सब को लाइट में रखते हुए, इन सब को माइंड में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट हमारा है 2-bromo-2-methyl-butane, सेकेंड पर ही मिथाइल ग्रुप है और सेकेंड पर ही ब्रोमो ग्रुप है, क्लियरली ये हमारा टर्सरी होगा। 1-bromo-pentane प्राइमरी होगा, 2-bromo-pentane सेकेंडरी हो जाएगा। हमें यहाँ पर सीधे सीधे लिखा है SN2 के रिएक्टिविटी ऑर्डर में लिखना है, तो हम डिक्रीजिंग ऑर्डर भी लिख सकते हैं, इंक्रीजिंग भी लिख सकते हैं, तो हम यहाँ डिक्रीजिंग दिखा देते हैं। सबसे पहले 1-bromo-butane आगे से मैं 1-2-3 करके लिखूंगा, सेकेंड हमारा 2-bromo-butane, उसके बाद आ जाएगा 2-methyl-2-bromo-2-methyl-butane, सेकेंड में अब चेक करते हैं क्या है, सेकेंड में हमारे पास है 1-bromo-3-methyl-butane, यानी ये प्राइमरी है, 2-bromo-2-methyl-butane टर्सरी है, 2-bromo-3-methyl-butane
तो हमारे पास दो है सेकेंडरी वाले और एक है टर्सरी, एक है हमारा वन ब्रोमो थ्री मिथाइल ब्यूटेन। तो वन ब्रोमो थ्री मिथाइल प्राइमरी भी हुआ और टू ब्रोमो थ्री मिथाइल सेकेंडरी हो गया और टू ब्रोमो टू मिथाइल टर्सरी हो गया। क्लियरली सबसे ज़्यादा रिएक्शन करेगा फर्स्ट, फिर थर्ड, फिर सेकेंड, फर्स्ट थर्ड फिर टू। थर्ड में हमारे पास क्या है, वन ब्रोमो ब्यूटेन वन ब्रोमो टू टू डाइमिथाइल प्रोपेन। तो ये सब के सब प्राइमरी है, सब में वन ब्रोमो लगा है, वन ब्रोमो टू मिथाइल ब्यूटेन वन ब्रोमो थ्री मिथाइल ब्यूटेन। इसमें हम क्या देखेंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस वाला देखना है हमें। तो स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पर देखा जाए वन ब्रोमो ब्यूटेन में कुछ भी नहीं होगा, सबसे ज़्यादा रिएक्शन करेगा फर्स्ट। इसके बाद हमारे पास है वन ब्रोमो टू मिथाइल ब्यूटेन एंड वन ब्रोमो थ्री मिथाइल ब्यूटेन, और सेकंड में तो टू टू डाई मिथाइल है, तो दो है वहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस डबल है। तो सबसे पहले हम टू मिथाइल और थ्री मिथाइल में देखेंगे, थ्री मिथाइल आपका दूर हो गया, यानी लास्ट वाला जो हमारा फोर्थ है वो आ जाएगा जिसमें थ्री मिथाइल हमारा दूर में है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। फिर उसके बाद थर्ड वाला आ जाएगा जिसमें टू पर आ गया है मिथाइल ग्रुप, यानी स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ गया है। उसके बाद सेकेंड वाला हो जाएगा, यहाँ पर डबल स्टेरिक हिंड्रेंस है, टू टू डाई मिथाइल है। इस तरह से आपका रिएक्टिविटी का ऑर्डर चलेगा। इसमें हम लोग करेंगे अब 17th क्वेश्चन। 10.17 में कहा जा रहा है आउट ऑफ C6H5CH2Cl, C6H5 का मीनिंग हो गया यहाँ पर बेंजीन रिंग, इसमें हमारा CH2Cl लगा हुआ है और दूसरा हमारे पास है CH के साथ Cl लगा है और साथ में दो बेंजीन रिंग लगा हुआ है, डबल C6H5 है। इसमें कह रहा है विच इज़ मोर ईजिली हाइड्रोलाइज बाय एक्वस KOH। हाइड्रोलाइज जब भी हम देखेंगे उसमें हम मेजर प्रोडक्ट को देखेंगे, तो मेजर प्रोडक्ट हमारा SN1 वाला होता है। SN1 की हमें रिएक्टिविटी का देखना है, तो क्लियरली SN1 में ज़्यादा रिएक्टिव हमारा ये सेकेंड वाला होगा, क्योंकि यहाँ दो बेंजीन रिंग है और यहाँ का जो कार्बोकेटाइन है वो ब्रेजोनेंस स्टेबलाइज ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू बेंजाइल क्लोराइड। तो इसको हम यहाँ पर देखेंगे, इसलिए हमारा ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा क्योंकि यहाँ पर कार्बोकेटाइन ज़्यादा रिएक्टिव है, सेकेंड हैज मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। क्योंकि हमें क्या देखना है, SN1 रिएक्शन इज टेकन हियर, SN1 मैकेनिज्म यहाँ पर लिया जाता है क्योंकि हम हाइड्रोलिसिस रिएक्शन कर रहे हैं। हमारे पास 18th क्वेश्चन है 10.18 में क्या कहा जा रहा है, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन दोज ऑफ ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर। तो पैरा में आप लोग क्या देखते हैं, हमारा एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। जनरली जो बेंजीन का डबल डेरिवेटिव है, बाई डेरिवेटिव है, दो जगह पर कुछ ना कुछ लगा हुआ है, वो जनरली सॉलिड फॉर्म में आते हैं, और सॉलिड फॉर्म की वजह से उसमें क्या देखा जाएगा, उनकी पैकिंग कितनी क्लोज है, और क्लोज पैकिंग के लिए क्या करना होगा, उनको सिमेट्रिकल ज्योमेट्री में रहना होगा जिससे पैकिंग ज़्यादा क्लोज हो और अट्रैक्शन फोर्स भी काफ़ी अच्छा हो। तो अट्रैक्शन फोर्स अच्छे होने से क्या होगा, उनकी जो सॉलिड स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा स्टेबल होगा, यानी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट से ही सॉलिड की स्टेबिलिटी का पता चलता है। तो ज़्यादा स्टेबल मतलब मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होना, तो सिमेट्री की वजह से पैरा डाइक्लोरोबेंजीन ज़्यादा स्टेबल है और इसलिए इसकी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगी, इसको ध्यान में रखना है। और इसलिए किससे ज़्यादा होगी, ऑर्थो एंड मेटा वाले से, जो कि एसिमेट्रिकल है। हमारे पास 19th क्वेश्चन आते हैं 10.19 में हमें कहा जा रहा है फॉलोइंग कन्वर्जन को कैरी आउट करना है, प्रोपीन टू प्रोपेन वन ऑल। फर्स्ट में हमें प्रोपीन से प्रोपेन वन ऑल बनाना है, तो फर्स्ट पर ले जाना हमें OH को, क्लियरली यहाँ पर हमें HBr करना पड़ेगा पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, यानी एंटी मार्कोनिक कोएडिशन, जिससे हमारा Br यहाँ आ जाएगा। मैं H को अंडरस्टूड मान रहा हूँ, ये आप लोग जानते होंगे कैसे लगाना है, और यहाँ पर हम कर देंगे सब्स्टिट्यूशन KOH एक्वस, हमारा प्रोपेनॉल बन जाएगा। अब इसका सेकेंड क्या है, सेकेंड में हमारे पास कन्वर्जन है इथेनॉल टू ब्यूट वन आइन, ये हम कर चुके हैं
डन इन क्वेश्चन 11th। थर्ड हमारे पास क्या है, 1 ब्रोमो प्रोपेन टू 2 ब्रोमो प्रोपेन, 1 ब्रोमो प्रोपेन है को 2 ब्रोमो प्रोपेन में कन्वर्ट करना है। क्लियरली हमें Br की पोजीशन को चेंज करना है, किसी भी सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन चेंज करना हो, मेनली न्यूक्लियोफाइल का, तो पहले एलिमिनेशन फिर हम एडिशन करेंगे। तो यहाँ पर एलिमिनेशन कर देंगे किससे, QH एल्कोहल, आपका बन जाएगा प्रोपीन। प्रोपीन में यहाँ पर H2 आता है, यहाँ पर H और यहाँ पर H3 है। क्लियरली यदि हम इसमें मार्कोनी को अब एडिशन कर दें HBr का, तो अपने आप ये 2 ब्रोमो प्रोपेन में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से हम कर सकते हैं। यदि हमें ब्रोमीन की पोजीशन या हैलोजन की पोजीशन चेंज करनी है, तो पहले एलिमिनेशन फिर एडिशन, ये हमें प्रोसेस याद रखना है। इसके बाद हमारा फोर्थ है टॉलविन टू बेंजाइल अल्कोहल, कर चुके हैं, डन इन क्वेश्चन 11। फिफ्थ हमारे पास क्या है, फिफ्थ में बेंजीन टू 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन से हमें 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन बनाना है। फोर ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, क्लियरली हम यहां पर ब्रोमीन और नाइट्रो ग्रुप दोनों को ही हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं पहले, बट ध्यान रखना है करना किसको ज्यादा फिजिबल होगा, कितना कौन सा ज्यादा बेटर होगा, तो उसके लिए हम देखेंगे। Br हमें लाना है NO2 को पैरा पर, यदि हम Br को ऐड कर देते तो NO2 को पैरा पर ले आएगा वो, क्योंकि Br हमारा ऑर्थो पैरा डायरेक्टर हो गया। लेकिन यदि NO2 को पहले ऐड कर देंगे तब जो Br लगाएंगे, तो Br को वो ले आएगा कहाँ पर, थर्ड पोजीशन पर ले आएगा, क्योंकि ये मेटा डायरेक्टर है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। इसलिए पहले हम Br लगाएंगे, Br2 AlCl3 या FeBr3 ले लेंगे हम। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ब्रोमोबेंजीन, फिर हम इसमें नाइट्रेशन कर देंगे, HNO3 H2SO4 दोनों का कॉन्क मिक्सचर ले लेंगे, तो आपका नाइट्रेशन हो जाएगा, NO2 आ जाएगा। तो हम लोग अब करेंगे सिक्स्थ, यहाँ पर 19th क्वेश्चन का, बेंजाइल अल्कोहल टू 2-फिनाइल इथेनोइक एसिड। बेंजाइल अल्कोहल हमारा ये हो गया और 2-फिनाइल इथेनोइक एसिड। क्लियरली हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हमें एक सी एटम को बढ़ाना है और ऐसा बढ़ाना है, ऐसा सी एटम लेना है जिसको इजीली हम COOH में कन्वर्ट कर सकें। तो उसके लिए हम CN ले सकते हैं, CN का हाइड्रोलिसिस करने पर COOH बन जाता है। जरा देखिए, CN लाने के लिए हमें पहले यहाँ पर CL या Br यानी हैलोजन लाना पड़ेगा। हैलोजन लाने के लिए जैसे हम कर सकते हैं HBr हीट, तो हमारा बेंजाइल ब्रोमाइड बन जाएगा। अब इसमें हम CN लाने के लिए KCN करेंगे, एक्वस इथेनॉल, हमारे पास आ जाएगा CH2CN बन जाएगा। CN यानी नाइट्राइल का यदि हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो COOH बन जाता है, और वह एसिड के प्रेजेंस में करना है। ये कन्वर्जन करीब करीब सब चैप्टर में कुछ न कुछ है, इस कन्वर्जन को अच्छी तरह से लर्न रखेंगे। आगे हमारे पास है इथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल, देखा जाती है इसी से निकला हुआ है। इसमें सबसे पहले हमें CL लाना पड़ेगा, फिर सीधे सीधे KCN, यानी यहीं तक का स्टेप रहेगा। तो देखिए, पहले हमने CL ले लिया, यहाँ पर CH3 CH2 CL आ गया, और इसका हम सीधे सीधे KCN कर देंगे, तो आपका बन जाएगा नाइट्राइल। नेक्स्ट हमारा है एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन, एनिलीन से हमें क्लोरोबेंजीन लाना है। ये हमने सैंडमेयर रिएक्शन में पढ़ा होगा, वैसे सैंडमेयर रिएक्शन एनिलीन से नहीं है, लेकिन एनिलीन से स्टार्ट वहां पर जरूर किया गया सैंडमेयर रिएक्शन को समझाने के लिए, क्योंकि सैंडमेयर रिएक्शन हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को हैलोबेंजीन बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो लेकिन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड आएगा कहां से, सॉरी इसमें NH2 नहीं लगाया था, एनिलीन से आएगा।
तो सबसे पहले हम एनिलीन को क्या करेंगे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए डायजोटाइजेशन रिएक्शन, HNO2 यहाँ पर कर दिया और 0 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम NaNO2 प्लस HCl भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास आ गया यहाँ पर N2Cl। अब इसका हम सैंडमेयर रिएक्शन करवा देंगे CuCl HCl के साथ, क्यूप्रस क्लोराइड HCl के साथ। तो हमारा हो जाएगा क्लोरोबेंजीन आ जाएगा। तो हम करेंगे नाइन्थ, इसके नाइन्थ में क्या कहा जा रहा है, नाइन्थ में हमारे पास है टू क्लोरो ब्यूटेन टू थ्री फोर डाइमिथाइल हेक्सेन बनाना है। 4 5 6 3 4 डाइमिथाइल हेक्सेन बनाना है। क्लियरली हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 2 3 थर्ड पर क्लोरो लगा है, हेक्सेन का चेन बन जाएगा और इसमें मिथाइल भी आ जाएगा। यानी सीधे सीधे हम वर्च रिएक्शन करवाएंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो ड्राई ईथर कर देंगे, एन ए ड्राई ईथर। टेंथ हमारे पास क्या है, टेंथ में कहा जा रहा है 2 मिथाइल 1 प्रोपीन टू 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 मिथाइल 1 प्रोपीन 2 पर मिथाइल ग्रुप, और इसमें हमें बनाना है 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन बनाना है। क्लियरली हम देख रहे हैं मिथाइल तो हमारे पास सेकंड पर है ही, पहले से हमें क्या लगाना है, ओनली Cl लगाना है और इसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है, यानी HCl का एडिशन करना है। HCl का एडिशन हम डायरेक्ट कर सकते हैं, इस तरह से हमारा एक ही स्टेप में बन जाएगा मार्कोनी कोऑफ एडिशन। अगला हमारा है 11th में इथाइल क्लोराइड 2 प्रोपेनोइक एसिड। यदि हम रिएक्शन पर ध्यान दें, इस तरह का रिएक्शन हम कर चुके हैं इधर। यदि हमें इथाइल क्लोराइड को प्रोपेनोइक एसिड बनाना है तो पहले CN बनाएंगे और उसको फिर हाइड्रोलिसिस कर देंगे जैसे ऊपर किया था। पहले हम यहाँ पर CN लगा दें, KCN से हमने CN लगा दिया, प्रोपेन नाइट्राइल बना दिया और प्रोपेन नाइट्राइल का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो प्रोपेनोइक एसिड मिल जाएगा हमें। बहुत ईजी यहाँ पर है कन्वर्जन, सब ध्यान देंगे बहुत अच्छी तरह सीख जाएंगे आप। तो आगे हमारे पास है 12th में ब्यूट वन इन टू एन ब्यूटाइल आयोडाइड, यानी फर्स्ट पर हमें आई ग्रुप लगाना है। आई ग्रुप लगाने के लिए क्या करेंगे हम, फर्स्ट पर लगाना है तो हमारे पास यहाँ पर एंटी मार्कोनिकोव एडिशन होना चाहिए, वो HBr के साथ होगा। जैसे यहाँ पर Br लग जाएगा तो हम फिंकलस्टाइन रिएक्शन से हम आई लगा सकते हैं। आई को हम डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो हमारा मेजर अमाउंट में नहीं आता है, हम लोग सीख चुके हैं। तो यहाँ पर हम HBr कर देंगे, पेरोक्साइड कर दिया, हमारे पास आ जाएगा 1 ब्रोमो ब्यूटेन और इसमें हम कर देंगे फिंकलस्टाइन रिएक्शन NaI एसीटोन। हम लोग करेंगे अब 13th कन्वर्जन। 13th में हमारे पास क्या है, हमें करना है 2 क्लोरोप्रोपेन टू 1 प्रोपेनॉल। 2 क्लोरोप्रोपेन से प्रोपेन 1 ऑल करना है, यानी 1 प्रोपेनॉल करना है। क्लियरली सब्स्टिट्यूएंट की जो पोजीशन है वो चेंज हुई है और एकदम से हम OH लाएंगे तो सीधे सीधे यहाँ पर आ जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ Cl को यहाँ उठा के ले जाना पड़ेगा या Br को ले जाना पड़ेगा, उसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो Br को तो हम ले जा सकते हैं 1 पर क्योंकि एंटी मार्कोनिक कोऑफ ओनली HBr के साथ होता है, लेकिन उसके लिए होना क्या चाहिए बच्चों, एल्कीन होना चाहिए हमारे पास। तो एल्कीन कैसे बनाएंगे, क्लियरली KOH एल्कोहल करेंगे, हमारे पास एल्कीन आ जाएगा और एल्कीन आने के बाद बच्चों क्या करना है, HBr पेरोक्साइड कर देना है और पेरोक्साइड कर दिया तो हमारा Br फर्स्ट कार्बन पर आ गया, 1 ब्रोमो प्रोपेन हो गया और इसमें यदि हम KOH एक्वस कर देते हैं तो Br हमारा सब्स्टिट्यूट हो जाएगा OH से। इस तरह से प्रोपेन 1 ऑल हमें प्रिपेयर हो जाएगा 2 क्लोरो प्रोपेन से। तब 14th क्या कह रहे हैं हमें, 14th में हमारे पास है आइसोप्रोपाइल एल्कोहल टू आइडोफॉर्म।
आइसोप्रोपाइल अल्कोहल क्या है? प्रोपेन टू ऑल आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होता है, टू क्लोरोप्रोपेन आइसोप्रोपाइल क्लोराइड हो सकता है, इसको हमें आइडो फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और ये हमारा एल्डिहाइड कीटोन वाला रिएक्शन है। यदि कोई भी टू ऑल हमारे पास है जिसमें एक तरफ यानी मिथाइल ग्रुप होना ही चाहिए, ऐसा कोई भी अल्कोहल जिसके OH कार्बन के एक तरफ मिथाइल ग्रुप लगा हो तो वो आइडो फॉर्म में इजीली कन्वर्ट हो सकता है सिंगल स्टेप में। तो कैसे हो सकता है? NaOH प्लस हम I2 ले लेंगे, उसमें हीट कर देंगे, तो ये बन जाएगा आइडो फॉर्म। ये रिएक्शन हम एल्डिहाइड कीटोन में सीख चुके हैं, और मैंने पूरे चैप्टर की वीडियो देने के बाद ही क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करना शुरू किया, एक्सरसाइज इन टेक्स्ट सबको सॉल्व किया है। तो प्लीज़ पहले सारे चैप्टर को अच्छी तरह से देख लें, तब कन्वर्जन करेंगे तो बहुत अच्छा समझ आएगा। बाकी क्वेश्चन तो आप साथ साथ में करते जा सकते हैं, लेकिन कन्वर्जन के लिए कोशिश कीजिए कि आपको बाकी चैप्टर्स के रिएक्शंस भी आएँ। तो वीडियोज उनके प्लीज़ देखिए, आपको अपने आप समझ आ जाएगा सब कुछ। तो यहाँ पर हमारे पास है 15 में क्लोरोबेंजीन 2 पैरा नाइट्रो फिनॉल। क्लोरोबेंजीन को हमें कन्वर्ट करना है पैरा नाइट्रो फिनॉल में। हमारा Cl जो है ऑर्थो पैरा डायरेक्टर और पैरा मेजर होता है, और OH भी हमारा ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, पैरा मेजर हो सकता है वहां पर। लेकिन यदि हम Cl को हटा के OH लगा दें और तब यदि नाइट्रेशन करें तो उसमें ऑर्थो भी मेजर हो जाता है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम नाइट्रेशन करेंगे फिर हम उसको फिनॉल बनाएंगे। और यदि नाइट्रेशन पहले कर दिया जाए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पहले से ऐड हो गया, माइनस आर ग्रुप जो हमारा NO2 है पहले से ऐड हो गया क्लोरोबेंजीन में, तो फिनॉल बनाना भी ईजी हो जाता है। तो ज़रा देखिए, हम इसमें पहले हम नाइट्रेशन कर रहे हैं HNO3 H2SO4, हमारा यहाँ पर बन जाएगा पैराक्लोरोनाइट्रोबेंजीन। पैराक्लोरोनाइट्रोबेंजीन बन गया, अब इसको हम उसमें कन्वर्ट कर देंगे फिनॉल में, NaOH H प्लस। टेम्परेचर एंड हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर में मैंने यहाँ पर सिर्फ शॉर्टकट में हीट डाल दिया है, हाई टेम्परेचर प्रेशर होना चाहिए तो अपने आप ये फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास है 16th में क्या कहा जा रहा है, 16th में हमारे पास 2 ब्रोमोप्रोपेन 2 1 ब्रोमोप्रोपेन करना है, 2 से 1 पर लाना है। क्लियरली मैंने बोला है कि सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन यदि चेंज हो रहा है तो पहले हम एलिमिनेशन करेंगे फिर एडिशन करेंगे। एडिशन करते हुए ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें कहाँ पर लाना है सब्स्टिट्यूएंट को, उसके बेसिस पर एडिशन करेंगे। यहाँ पर देखिए जरा, सबसे पहले तो एलिमिनेशन, एल्कोहलिक QH में हीट कर दिया तो प्रोपीन बन गया, और प्रोपीन में हम HBr को 1 पर लाना है तो पेरोक्साइड के प्रेजेंस में ऐड करेंगे। हमारे पास आ जाएगा 17th क्वेश्चन में कह रहे हैं 2 ब्रोमोप्रोपेन 2 1 ब्रोमोप्रोपेन, 16 था क्लोरोइथेन 2 ब्यूटेन। क्लोरोइथेन से हमें ब्यूटेन बनाना है। क्लियरली NA ड्राई इधर हो जाएगा, डबलिंग हो रहा है कार्बन चेन का, वर्च रिएक्शन है, कई बार कर चुके हैं। हमारे पास 18th है, 18th में हमारे पास है बेंजीन 2 डाइफिनाइल कर चुके हैं, डन इन क्वेश्चन 11। हमारे पास है 19 में एनिलीन 3rd ब्यूटाइल ब्रोमाइड 2 आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड को हमें, ये हमारा हो गया टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड, इसको हमें आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड में कन्वर्ट करना है। Br यहाँ पर आ जाएगा, आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड हो गया। इसमें कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले Br की पोजीशन यदि देखी जाए तो Br की हमें पोजीशन चेंज करनी है। तो टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड को हमें आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर Br की पोजीशन चेंज है। देखिए 1 2 3 कार्बन का चेन है हमारे पास, यहाँ भी 1 2 3 कार्बन का चेन हो रहा है। पहले Br सेकेंड पर था, अब Br 1 पर आ गया है। क्लियरली Br की पोजीशन चेंज करने के लिए पहले एलिमिनेशन, एल्कोहलिक QH, क्या आ जाएगा यहाँ पर
टू मिथाइल प्रोपीन बन जाएगा, और इसमें फिर अब एडिशन कर देंगे HBr पेरोक्साइड, हमारा ये बन जाएगा। अब हमें करना है 20 जो कि लास्ट कन्वर्जन है, एनिलीन टू फिनाइल आइसोसाइनाइड करना है। एनिलीन से फिनाइल आइसोसाइनाइड करना है, ये हम लोग अमाइंस वाले चैप्टर में इस रिएक्शन को देख चुके हैं। इसका रिएक्शन हमें क्लोरोफॉर्म के साथ करवाना है। इन प्रेजेंस ऑफ QH हीट करेंगे तो आपका फिनाइल आइसोसाइनाइड प्रिपेयर हो जाएगा। तो हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20 10.20। क्या कहा जा रहा है इसमें? द ट्रीटमेंट ऑफ एल्काइल क्लोराइड विद एक्वस QH लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल, बट इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक QH एल्कीन्स आर मेजर प्रोडक्ट, एक्सप्लेन। हम जनरली क्या करते हैं, RX का रिएक्शन, यहाँ पर RCl क्लोराइड पूछ रहा है, RX का रिएक्शन यदि हम RCl का रिएक्शन यदि हम QH एक्वस के साथ करवाते हैं तो ROH बनता है, बट यहीं पर यदि हम इसी का रिएक्शन करवाएं QH एल्कोहल के साथ तो एल्कीन बन जाता है, ऐसा क्यों? यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हम जानते हैं कि QH एक्वस में हमें OH माइनस न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में मिल जाएगा और Cl को सब्स्टिट्यूट कर देगा वो, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में जनरली कैरीड आउट किया जाता है, कैरी आउट, तो उसको कैरी आउट करेंगे। यहाँ पर एक्वस से हमारे पास वाटर है, यानी वाटर में डिजॉल्व होने के बाद वो हमें ROH दे देगा। बट यदि हम अल्कोहल ले लेते हैं तो अल्कोहल हमारा स्ट्रॉन्ग बेस का काम करता है ये, और QH भी हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है, तो स्ट्रॉन्ग बेस हमारा वीक न्यूक्लियोफाइल बन जाता है। यहाँ पर OH माइनस बहुत ही ज़्यादा वीक न्यूक्लियोफाइल होता है, जिसकी वजह से कार्बोकेटाइन जो है वो अपनी स्टेबिलिटी के लिए, ये जो बनेगा यहाँ पर ये अपनी स्टेबिलिटी के लिए एल्कीन बनाएगा। तो QH एल्कोहल में स्ट्रॉन्ग बेस का काम करता है एंड वीक न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, इसलिए कार्बोकेटाइन अपनी स्टेबिलिटी के लिए एल्कीन बनाएगा। इस बात को ध्यान में रखेंगे और यही बात हमें लिखना है। और एक्वस में क्या होगा, OH माइनस हमें न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में मिल जाएगा, इसलिए सब्स्टिट्यूशन होगा। अब क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 21 में हमें बताना प्राइमरी एल्काइल हैलाइड C4H9Br है, C4H9Br से प्राइमरी एल्काइल हैलाइड बनाना है। ए रिएक्टेड विद एल्कोहलिक QH, ऐसा कोई प्राइमरी वाला जो हैलाइड है जिसको हम ब्रोमाइड कहेंगे उसको यहाँ पर ए माना गया है, इसका जब रिएक्शन करवाते हैं हम एल्कोहलिक QH से तो कंपाउंड बी मिलता है। इसका रिएक्शन यदि हम एल्कोहलिक QH से करवाएं तो यहाँ पर हमें बी मिलेगा, और इसमें कहा जा रहा है एक्सप्लेन कंपाउंड बी, बी रिएक्टेड विद HBr टू गिव सी विच इज एन आइसोमर ऑफ ए, बी से हमें HBr ऐड करेंगे तो C मिल जाएगा, और C और A का जो रिलेशन है आइसोमर का है, आइसोमर का रिलेशन, इस बात को ध्यान में रखेंगे। आगे कहा जा रहा है रिएक्टेड विद आइसोमर ऑफ A व्हेन A इज रिएक्टेड विद सोडियम मेटल इट गिव्स कंपाउंड D, जब A का रिएक्शन अब हम सोडियम मेटल के साथ करवाते हैं Na के साथ ये हमें D देगा, बट डी जो हमारा है वो डिफरेंट है, विच इज डिफरेंट फ्रॉम कंपाउंड फॉर्म्ड फ्रॉम एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड वाला कंपाउंड नहीं आ रहा है, यानी इसका मतलब ये एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड नहीं है, क्योंकि वो भी प्राइमरी है लेकिन वो नहीं है। इसका मतलब पहले तो हम लिखें C4H9Br से कौन कौन सा प्राइमरी हैलाइड बनेगा, कौन कौन सा प्राइमरी ब्रोमाइड बनेगा, एक तो हमारा CBr बनेगा लेकिन ये नहीं होगा एंड में लिखा हुआ है, तो दूसरा प्राइमरी ब्रोमाइड हमारा यहाँ पर Br और यहाँ पर C, ये बन जाएगा, और इसमें आप देखेंगे C4H9Br आ रहा है। इस तरह से हमारे पास आ गया ये, तो अब हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, क्लियरली हमारा ये होना चाहिए कौन C4H9Br, क्योंकि दूसरा और कोई प्राइमरी ब्रोमाइड नहीं बन सकता है।
तब हम इसका रिएक्शन दिखा देंगे। ए हमारे पास आ गया CH2Br होगा। इसका रिएक्शन हम एल्कोहलिक QS से करवाएंगे। रियली हमारा एल्कीन क्या बन जाएगा, CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा B हो गया। अब इसका रिएक्शन हम करवाएंगे HBr के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, CH3 C पर यहाँ पर Br आ गया CH3, और ये भी CH3 मार्कोनी कोऑफ एडिशन, क्योंकि परोक्साइड का नाम नहीं लिखा हुआ है। अब यदि हम A का क्या करते हैं, वुड्स रिएक्शन करवाते हैं, तो हमें क्या मिलने वाला है, 1, 2, 3 कार्बन का पहले चेन बना, फिर 1, 2, 3 कार्बन और भी ऐड हो जाएगा, तो क्लियरली हमारे पास आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 2, 5 डाइमिथाइल हेक्सीन। इस तरह से हमारा बनेगा डाइमिथाइल हेक्सेन बनेगा हमारा, ये हो जाएगा डी। इस बात को ध्यान में रखना है। तो हम लोग करने जा रहे हैं 22, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसमें हमें बताना है व्हाट हैपेंस व्हेन, यानी हमें व्हाट रिएक्शन गिवन है उसको हमें चेंज करना है, उसमें हमें प्रोडक्ट बताना है, और उसको रिएक्शन के फॉर्म में भी चेंज करके लिखना है हमें। जरा देखिए, एन ब्यूटाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद एल्कोहलिक QH। फर्स्ट में हमारे पास एन ब्यूटाइल क्लोराइड है, यदि हम एल्कोहलिक QH के साथ इसको ट्रीट करेंगे तो क्लियरली एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, और एलिमिनेशन रिएक्शन में ब्यूट वनीन बनेगा यहाँ पर, इस बात को ध्यान में रखेंगे। वैसे देखा जाए तो ब्यूट ट्विन बनना चाहिए एज पर अदर बुक एंट्रेंस, लेकिन आप यदि ब्यूट वन इन भी लिख देते हैं तो हो जाएगा सही एज पर NCERT, क्योंकि वहाँ पर ये मेंशन नहीं है कि कोई आपका वहाँ पर होना है सब्स्टिट्यूशन, वहाँ पर कोई एक जगह से दूसरे जगह कोई चेन का मूवमेंट होगा, वहाँ पर डिग्री ऑफ कार्बोकेटाइन के बेसिस पर वहाँ पर कुछ नहीं समझाया गया एलिमिनेशन में, तो उसके बेसिस पर आप इसको भी लिख सकते हैं, लेकिन 2 डिग्री कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए ब्यूट ट्विन ज़्यादा बेटर यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा। तो सेकंड में हमें क्या कहा जा रहा है, ब्रोमोबेंजीन इज ट्रीटेड विथ Mg इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर। ब्रोमोबेंजीन को हमने ट्रीट किया है Mg के साथ ड्राई इथर में, क्लियरली गिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा हमारा Mg ड्राई इथर, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनेगा। थर्ड में क्या कहा जा रहा है, थर्ड में कहा जा रहा है क्लोरोबेंजीन इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलिसिस। क्लोरोबेंजीन का यदि हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, ये वैसे फिजिबल रिएक्शन नहीं है, ये यहाँ पर कोई प्रोडक्ट हमें नहीं मिलेगा। कुछ बुक ने यहाँ पर NaOH अपनी मर्जी से लेके कर दिया है, जो कि मेरे ख्याल से सही नहीं है। फोर्थ हमें कहा जा रहा है इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद एक्वस QH। इथाइल क्लोराइड CCCl हो गया, यदि हम एक्वस QH लेते हैं क्लियरली इथेनॉल बनेगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा यहाँ पर। फिफ्थ हमारे पास है मिथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर। मिथाइल ब्रोमाइड का हम सोडियम के साथ ट्रीटमेंट कर रहे हैं ड्राई इथर में, क्लियरली वर्थ रिएक्शन है, तो एल्काइल ग्रुप का डबलिंग होगा, यानी मिथाइल से इथेन बन जाएगा। सिक्स्थ और लास्ट है मिथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद KCN। मिथाइल क्लोराइड को हम KCN के साथ ट्रीट करेंगे, क्लियरली हमारा इथेन नाइट्राइल बन जाएगा, और ये एक्वस इथेनॉल में होना चाहिए। इस तरह से हमारा इस चैप्टर का क्वेश्चन पूरा एक्सरसाइज खत्म होता है, और आप लोग इसको प्लीज़ पेन पेपर से दोबारा चला कर वीडियो को देख देख के इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और अच्छे मार्क्स लाइए, 100% मार्क्स लाइए, और वीडियो को प्लीज़ शेयर करें जो आपके दोस्त भी इसको सीख पाएँ। थैंक यू वेरी मच। हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा, आपको समझ भी आ रहा होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है, और समझ आया है तो सब्सक्राइब कीजिए,
लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंच सके और मुझे प्रोत्साहन मिले, मैं आप लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा काम कर सकूं, ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के लिए वीडियोज बना सकूं। मैं बहुत कुछ लेकर आने वाला हूं इसमें, इसको सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद देखने के लिए।